शुक्रवार को विपक्षी दलों और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और सीबीआई के विशेष जज बीएच लोया की मौत की निष्पक्ष जांच एसआईटी से कराए जाने की मांग की। राष्ट्रपति से हुई मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में हुई। विपक्षी पार्टियों ने साफ कहा कि उन्हें सीबीआई या फिर एनआईए की जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से जज लोया की मौत की जांच कराई जानी चाहिए। जज लोया जी का मैटर था, दोनों हाउसेज में काफी एमपीज को लगता है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एसआईटी होनी चाहिए। 114 एमपीज ने मेमोरेंडम साइन किया, 15 पार्टीज से लोग गए, नहीं 13 से लोग गए, 15 पार्टी ने साइन किया। फीलिंग है कि लोया जी की जो मृत्यु हुई है वो सस्पिशियस है, अखबारों में आया है और देश में भी इसके बारे में काफी चर्चा हुई है। दो और सस्पिशियस डेथ भी हुई हैं, तो ये हमने प्रेसिडेंट से कहा और उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा कि वो देखेंगे, मामले को देखेंगे और पॉजिटिव रिस्पांस। संसद के बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन शुक्रवार को राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस, वामपंथी दलों, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। विपक्ष के करीब 15 दलों के 115 सांसदों के हस्ताक्षर से युक्त ज्ञापन में जस्टिस लोया की मौत से जुड़े संदेहास्पद सवालों को उठाते हुए कहा गया है कि एसआईटी जांच से ही सच सामने आएगा। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।